अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार कार्यकर्ता साथियों, नागरिक बंधु, मेरा नाम दीपक है और आप सब लोग जानते हो जनसंघ का निशान हुआ करता था दीपक, और वो दीपक जलाने में असंख्य लोगों ने राजनीति में काम किया और उस काम की बदौलत आज जो सरकार बैठी है वो सरकार किस प्रकार के काम कर रही है उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने तो 3 साल हो गए, लेकिन 3 साल की सरकार से मेरे पिताजी का स्मारक नहीं बना, स्मारक नहीं बना। और शिवराज सिंह चौहान अपने उन बच्चे बच्चियों के लिए जो अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़े, खुद शिवराज जी के पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ी, उनको रुकने और ठहरने के लिए भोपाल में घनीशान मकान जरूर उन्होंने 6 माह के अंदर बनवा लिया, 6 माह के अंदर। और ये जो स्मारक है इसको माननीय कमलनाथ जी ने मात्र 3 मिनट में ऐलान किया था, 3 मिनट। सम्मान दिग्विजय सिंह जी यहाँ बैठे हैं, कितनी नैतिकता इस व्यक्ति में, उस नैतिकता का एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। 1991 में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में सम्मिलित होना चाहता हूं। माननीय दिग्विजय सिंह जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख थे, मुखिया थे, मैं इनके पास गया कि मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूं। तब दिग्विजय सिंह जी ने सिरे से उस बात को खारिज कर दिया और मुझे डांटकर भगा दिया और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पिताजी में कोई अच्छे नहीं लगने देना चाहता, इसलिए तुम्हें कांग्रेस में नहीं। आज इतनी नैतिकता वाले कांग्रेस में नेता विराजमान है, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम करने वाला ये शिवराज सिंह चौहान, जिसके कपड़े से लेकर खाने पीने की व्यवस्था हम लोग करते थे, और शिवराज सिंह चौहान ने अपना नाम दिया है मामा। मैं इस मामा के बारे में जब इतिहास निकाला, मैं भी सनातनी ब्राह्मण हूं, तो मैंने पूरे सनातन की हिस्ट्री में इस मामा के बारे में सोचने के बाद जो विचार आता है कि हमारे इतिहास में पहला मामा हुआ रावण का मामा वारिस, हुआ कि नहीं हुआ, वारिस ने क्या काम किया, सीता का हरण करवाया और राम रावण युद्ध का कारण है। दूसरा मामा तो देख चाहिए, मामा कंस, कृष्ण भगवान का मामा, और तीसरा मामा शकुनी, गौरव पांडवों का मामा। 3 युग हुए 4 युग हुए हमारे सनातन संस्कृति में, पहला युग सतयुग, दूसरा युग त्रेता युग, तीसरा युग द्वापर युग। पहले युग का मामा मारी, दूसरे युग का मामा कंस, तीसरे युग का मामा शकुनी, और इस कलयुग का मामा कौन है? कलयुग का मामा शिवराज मामा। इस कलयुग के मामा को उखाड़ना के लिए उखाड़ना है, उखाड़ना है ना, कमलनाथ जी की सरकार बनाना है ना, तो हम सब लोगों को आज तय करना पड़ेगा, दूल्हा कोई भी हो, लेकिन बड़ा शान से निकालकर हम इस मध्य प्रदेश की जनसेवा करने के लिए ये सत्य हाथ को अपने कार्यकर्ताओं के दम पर लेके रहेंगे और मध्य प्रदेश को फिर उस शांति व्यवस्था में जो गांधी नेहरू परिवार ने हमको दी है उसको साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे। मैं आपके साथ एक कार्यकर्ता के रूप में आया हूँ और अपने पिताजी की वो विरासत को भी लेके आया हूँ, इसलिए मैं